देखिए ब्रोकली एंड आलमंड सूप, इसके लिए हमें चाहिए 4 कप सूप के लिए 1 मीडियम साइज ब्रोकली, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 15 से 20 बादाम, 2 तेज पत्ते, 1 कप दूध, नमक स्वादानुसार और आधा छोटा चम्मच पेपर पाउडर। ब्रोकली एंड आलमंड सूप के लिए आप जो ब्रोकली खरीदें वो एकदम हरी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ब्रोकली अगर थोड़ी पुरानी हो जाए तो पीली पड़नी शुरू हो जाती है, इस सूप में वैसी ब्रोकली का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। एकदम अच्छी ब्रोकली होनी चाहिए। और उसके बाद एक पैन में किसी एक बर्तन में पानी को उबाल लें और इस ब्रोकली को हम पकाएंगे। पानी में थोड़ा सा नमक और उसके बाद ब्रोकली एकदम उबलते हुए पानी में डालें। इस ब्रोकली को हमने बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। ये देखिए पानी में डलते ही इसका जो रंग है वो कितना और अच्छा निखर आया है, और अच्छा हरा रंग हो गया है। इसे थोड़ा सा हमने पकाना है इस पानी के अंदर, बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। इसका जो रंग है थोड़ा सा और बढ़ाना है, इसलिए इस तरह से इसको हम पका रहे हैं। इसके बाद इसे हम छानेंगे। छानने की आप तैयारी कर लें, एक बोल में ठंडा पानी डाल के रखें। ये जो ब्रोकली है इसका देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया है। करीब 2 से 3 मिनट तक इसे हमने पकाना है उबलते हुए पानी में। ये जो ब्रोकली है अब तैयार हो चुकी है, इसे अब हम निकाल लेंगे। इसको छान लें आप, ये जो ब्रोकली है। छानने के बाद इस ब्रोकली को ठंडे पानी में आप डाल दें, ये इसलिए ताकि जो इतना बढ़िया ब्रोकली का रंग है वो ऐसा ही रहे। जब तक ब्रोकली थोड़ी ठंडी होती है तब तक सूप की बाकी तैयारी हम कर देते हैं। एक पैन में मक्खन, और इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। इस प्याज को भून लेते हैं हम। प्याज जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब आप इसके अंदर डालें तेज पत्ता। और 1 चम्मच मैदा, मैदे को भी प्याज के साथ भून लें। और इसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर डालें। ये ब्रोकली का सूप हम तैयार कर रहे हैं। ब्रोकली पका चुके हैं हम एकदम बढ़िया हरे रंग की। जब तक ये तैयार होता है हम ब्रोकली को पीस लेते हैं, इसको ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेते हैं हम। अभी हमने ब्रोकली पीस ली है और इस सूप में जहां पर हमने मैदा, प्याज, बेलीफ और दूध पका रहे हैं इसमें थोड़ा पानी डालें और इसे थोड़ा सा उबलना है, उसके बाद इसे हम छान लेंगे। अब ये जो हमने मैदा, मक्खन और दूध पकाया है उसमें थोड़ा पानी डालकर उसको पतला किया है, अब इसे हम छान लेते हैं। और छानने के बाद एक बार फिर इसे हम डालेंगे बर्तन के अंदर और इसे गर्म कर लें। यह उबलना चाहिए, काफी गर्म होना चाहिए इस समय ये। जब तक ये गर्म होता है हम आलमंड यानी बादाम को तैयार कर लेते हैं। बादाम को तैयार करने के लिए एक पैन में बादाम तैयार करेंगे। ये जो आलमंड हैं इसे आप पानी के अंदर कुछ देर उबाल लें या गर्म पानी के अंदर रखें और उसका छिलका निकाल लें। अब इसके बाद इन आलमंड्स को आप काट लें। आप चाहें तो बड़े पीसेस रख सकते हैं, नहीं तो आलमंड्स के इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लें। लंबा लंबा आलमंड को काटें। अब यह भी उबल चुका है।
हमने जो ब्रोकली तैयार की है, ब्रोकली को पकाकर उसे पीसा है, उसका प्यूरे बनाया है, उसे डालेंगे इसके अंदर। और देखिए ब्रोकली के डालते ही कितना बढ़िया रंग आ गया इसका। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले इसको हमने उबाल लिया था, क्योंकि ब्रोकली डालने के बाद बहुत ज्यादा हमने पकाना नहीं है। आप इसको जितना ज्यादा पकाते जाएंगे उतना इसका कलर कम होता जाएगा, खराब होता जाएगा, इसलिए इस सूप को बहुत कम पकाना है हमने। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो सूप रेडी है, लेकिन अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है और पेपर नहीं डाला है। तो इसमें नमक और पेपर दोनों अब हम डाल देते हैं, मिक्स कर लें इसे। देखिए कितना अच्छा रंग है इस सूप का। अब जो बादाम हमने काटे हैं उसे भून लेते हैं हम एक पैन के अंदर। ये जो नट्स हैं जलने नहीं चाहिए, और उसके बाद इन नट्स को आप सूप के अंदर डालें। आप चाहें तो थोड़े से नट्स बचा के रख सकते हैं, जब आप सूप सर्व कर रहे हो तो कप के अंदर थोड़े से ये टोस्टेड आमंड्स रखें, और उसके बाद ये गर्मा गर्म ब्रोकली का सूप उसके अंदर डालें। तैयार हो जाएगा, आपको मजा मिलेगा इस नए साल में। इसके लिए उबलते पानी में नमक और ब्रोकली डालकर करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएं और इसे छानें। उसके बाद इसे ठंडे पानी में डालकर इसे ठंडा कर लें। अब इसे मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर इसका प्योरे बना लें। इसके बाद एक पैन में मक्खन लेकर इसमें बारीक कटी प्याज डालकर थोड़ा सौते करें। इसमें तेज पत्ता डालें, इसमें मैदा डालकर इसे भून लें। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, और जब ये उबल जाए तब इसमें पानी डालकर इसे पकाएं। उसके बाद इसे छानकर एक बार फिर इसे पकाएं। अब इसमें ब्रोकली का प्योरे साथ में नमक और पेपर पाउडर डालकर इसे मिक्स करें, और थोड़ा पकने पर इसमें भुने बादाम डालकर सर्व करें।